कनाडा के नोवा स्कोटिया के पास स्थित ओक आइसलैंड में बड़ा खजाना होने की बात कही जाती है। दो सदियों से भी अधिक समय से ये बात कहानियों के माध्यम से दुनिया भर में प्रचारित की गई है। बताया जाता है कि कैप्टन विलियम किड नामक एक समुद्री लुटेरे ने इसी स्थान पर अपना खजाना छुपाया था। इसके बाद ओक आइसलैंड में छिपे खजाने को खोजने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए गए, लेकिन आज तक वहाँ छिपे खजाने को नहीं खोज सके। बेबीलोन में 2000 साल पहले सच में हैंगिंग गार्डन थे या नहीं, ये अभी तक रहस्य है। 250 ईसा पूर्व कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन का जिक्र किया। उन्होंने इस हैंगिंग गार्डन को दुनिया का अजूबा बताया। हालांकि हैंगिंग गार्डन के बारे में कोई भी पुरातात्विक सबूत नहीं पाए गए। बेबीलोन और वर्तमान इराक में अभी तक कोई हैंगिंग गार्डन के बारे में सबूत नहीं मिले। अभी तक यह रहस्य बरकरार है। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या किसने की और उनको किसने मरवाया, यह अभी तक बड़ा सवाल है। अमेरिकी इतिहास में यह सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। कई दशक बीत जाने के बाद भी जॉन एफ कैनेडी के हत्यारों को लेकर सभी एक मत नहीं है। 22 नवंबर 1963 को देश के डलास शहर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को ली हार्वे ओसवाल्ड ने गोली मार दी थी। कैनेडी की हत्या के दो दिन बाद ही जैक रूबी नाम के व्यक्ति ने ओसवाल्ड की हत्या कर दी। इसके बाद 3 जनवरी 1967 को रूबी की लंग्स कैंसर की वजह से मौत हो गई। इतिहासकारों का मानना है कि अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति की हत्या करना इतना आसान नहीं था। उनको साजिश के तहत मारा गया। यह आज भी रहस्य है कि कैनेडी को किसने मरवाया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।